बिग बॉस के घर में जाए बिना आखिर आकांक्षा पूरी कैसे मिली पारस छाबड़ा से? उन्होंने एक बहुत ही प्यारी बात बोली है, क्या है वो बात मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी। ये तो आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस के घर के अंदर फैमिली वीक चल रहा है, हर किसी के घर से कोई ना कोई मिलने आ रहा है। हालांकि पारस के घर से उनकी मदर अंदर गई है, इस बात को अभी शो के अंदर प्रोमो में नहीं दिखाया गया, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड जो है पारस की आकांक्षा ने ये बात 2 दिन पहले ही क्लियर कर दी थी कि मैं नहीं बल्कि उनकी मदर घर के अंदर जा रही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बहुत ही प्यारी तस्वीर शेयर की है पारस की मदर के साथ और वो दोनों जो है तानाजी फिल्म देख रहे हैं। लेकिन कल उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर लिखी है, क्या है वो बात मैं आपको बताती हूँ। कल जो है फैमिली वीक के लिए शूट था जहाँ पर पारस की मम्मी जो है शूट में गई थी और पारस से मिलकर घर वापस लौटी थी और वो जो है मुंबई में आकांक्षा के साथ रह रही हैं। तो आकांक्षा लिखती हैं, इट फेल्ट अमेजिंग व्हेन आई गॉट बैक होम। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं शूट से घर वापस आई, पारस की मम्मी ने दरवाज़ा खोला और मुझे गले लगा लिया और जब वो गले लगी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पारस के गले लग रही हूँ क्योंकि जो मम्मी है वो शूट से वापस आ रही थी। तो वो ये कहना चाहती है कि जब मैं आंटी के गले लगी, मम्मी के गले लगी, तो उनमें से मुझे पारस का फील आ रहा था क्योंकि वो पारस से मिलकर आई थी। उन्होंने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, मेरा बेबी यानी कि पारस जो है डेफिनेटली ये सारी पैम्परिंग मिस कर रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही प्यारी सी बात आकांक्षा ने लिखी है। सभी जानते हैं कि घर के अंदर जो है पारस और मायरा को लेकर बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, यहाँ तक कि आकांक्षा को भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले आकांक्षा ने अपने सोशल मीडिया पर ये भी शेयर किया था कि जब लोग सना को बोलते हैं कि तू जेलस है तो उसका दर्द जो है वो समझ सकती है। तो साफ बात है कि उनको ये बात वो कहना चाह रही थी कि जब लोग उनको भी बोलते हैं कि वो जलती हैं मायरा से तो उनको भी वो बात महसूस होती है। लेकिन उन्होंने ये बहुत ही प्यारी जो बात लिखी और लिखा है कि जब उनकी मम्मी घर पे आई हैं और उनको गले लगकर मुझे ऐसा लगा कि मैं पारस के गले मिली हूँ, ये बात साफ जाहिर करता है कि आकांक्षा आज भी अभी भी फैमिली की तरह पारस को सपोर्ट करती है। वो उस दिन का इंतज़ार कर रही है कि जब पारस घर से बाहर निकले और आकांक्षा के साथ इन सारी बातों को क्लियर करे। हालांकि जब पारस की मम्मी घर के अंदर गई होंगी तो ज़रूर ये बात उन्होंने उठाई होगी, लेकिन क्या बात हुई होगी ये भी हमें प्रोमो में देखने को नहीं मिला है, जिसका इंतज़ार मुझे लगता है बहुत सारे दर्शक कर रहे हैं।